हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम ईडियम्स का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जांपल। तो फर्स्ट ईडियम है हमारा हार्ट टू हार्ट, साफ साफ कहना। व्हाई डोंट यू स्पीक हार्ट टू हार्ट, तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलते हो। व्हाई डोंट यू स्पीक हार्ट टू हार्ट, तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलते हो। नेक्स्ट ईडियम है बैंडी वर्ड्स, जुबान लड़ाना। द टू नेबर्स यूजअली बैंडी वर्ड्स एंड क्रिएट ए लॉट ऑफ न्यूसेंस। दो पड़ोसी आमतौर पर जुबान लड़ाते हैं और बहुत उपद्रव पैदा करते हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट idiom है फ्रेंच लीव, बिना सूचना के अनुपस्थित होना। इफ़ यू टेक फ्रेंच लीव यू विल बी फाइन। अगर आप बिना सूचना के अनुपस्थित होते हो तो आपको जुर्माना देना होगा। इफ़ यू टेक फ्रेंच लीव यू विल बी फाइन। अगर आप बिना सूचना के अनुपस्थित होते हो तो आपको जुर्माना देना होगा। नेक्स्ट idiom है ऑन एंड ऑन, आगे आगे। फ्रेंड, ये काफ़ी ईजी idiom है और ये काफ़ी शॉर्ट भी है। आप इसको अच्छे से अपनी डेली लैंग्वेज में यूज कर सकते हो। तो एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट वॉक ऑन एंड ऑन, आगे आगे मत चलो। नेक्स्ट idiom है एन ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार। He met his old flame in the market yesterday, but prudently avoided eye contact. वह कल बाजार में अपने पुराने प्यार से मिला, लेकिन समझदारी से नज़रें मिलाने से बचते रहे। He met his old flame in the market yesterday, but prudently avoided eye contact. वह कल बाजार में अपने पुराने प्यार से मिला, लेकिन समझदारी से नज़रें मिलाने से बचते रहे। तो फ्रेंड, नेक्स्ट idiom हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। In the twinkle of an eye, क्षण भर में। The house came down in the twinkling of an eye. पलक झपकते ही घर नीचे आ गया। The house came down in the twinkling of an eye. पलक झपकते ही घर नीचे आ गया। Next idiom है keep an eye on, नज़र रखना। Example है it is very necessary for us to keep an eye on our growing children. अपने बढ़ते बच्चों पर नज़र रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। It is very necessary for us to keep an eye on our growing children. अपने बढ़ते बच्चों पर नज़र रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट idiom है पुट अप विद, सहन करना। तो एग्जांपल है रोहन कुड नॉट पुट अप विद इंसल्ट, रोहन अपमान सह नहीं सका। रोहन कुड नॉट पुट अप विद इंसल्ट, रोहन अपमान सह नहीं सका। तो नेक्स्ट idiom है स्क्रैच वंस हेड, परेशान हो जाना। आई स्क्रैच माई हेड वेन आई सा द पजल्स इन द PO एग्ज़ाम। जब मैंने PO के एग्ज़ाम में पहेलियों को देखा तो मैं परेशान हो गया। आई स्क्रैच माई हेड वेन आई सा द पजल्स इन द PO एग्ज़ाम। जब मैंने PO के एग्ज़ाम में पहेलियाँ देखी तो मैं परेशान हो गया। नेक्स्ट idiom है ड्रॉप इन द ओशन, बहुत थोड़ी मात्रा में। माई नॉलेज अबाउट आर्कियोलॉजी इज़ ओनली ए ड्रॉप इन द ओशन, पुरातत्व के बारे में मेरा ज्ञान बहुत थोड़ी मात्रा में है। माई नॉलेज अबाउट आर्कियोलॉजी इज़ ओनली ए ड्रॉप इन द ओशन, पुरातत्व के बारे में मेरा ज्ञान बहुत थोड़ी मात्रा में है। तो नेक्स्ट idiom है हमारा क्लोज सेव, बाल बाल बचना। एग्जाम्पल है हिज फैमिली हैड ए क्लोज सेव इन द बस एक्सीडेंट, बस दुर्घटना में उनका परिवार बाल बाल बचा। His family had a close save in the bus accident. बस दुर्घटना में उनका परिवार बाल बाल बचा। Next idiom है over and over, बार बार। Example है don't do same mistake over and over, एक ही गलती बार बार मत करो। Don't do same mistake over and over, एक ही गलती बार बार मत करो। Next idiom है each and every, हर एक या हर कोई। एग्जाम्पल है ईच एंड एवरी केम एक्सेप्ट यू, तुम्हें छोड़कर हर कोई आया। ईच एंड एवरी केम एक्सेप्ट यू, तुम्हें छोड़कर हर कोई आया। तो नेक्स्ट idiom है एट द 11th आवर, अंतिम समय में। जब कोई मरने वाला हो या किसी का एंडिंग टाइम चल रहा हो उस टाइम पे हम इस idiom को यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ नाउ एट द 11th आवर, वह अपने अंतिम घड़ी में है। हैंड टू हैंड, हाथों हाथ। एग्जाम्पल है आई वुड लाइक टू टेक डॉक्यूमेंट्स हैंड टू हैंड, मैं डॉक्यूमेंट्स हाथों हाथ लेना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू टेक डॉक्यूमेंट्स हैंड टू हैंड, मैं डॉक्यूमेंट्स हाथों हाथ लेना चाहूँगा। तो फ्रेंड, नेक्स्ट idiom है अगेंस्ट ए रेनी डे, मुश्किल दिनों के लिए।
तो एग्जांपल है हमारा, सेव मनी अगेंस्ट ए रेनी डे, मुश्किल समय के लिए पैसे बचाओ। सेव मनी अगेंस्ट ए रेनी डे, मुश्किल समय के लिए पैसे बचाओ। नेक्स्ट इडियम है ए कैट एंड ए डॉग लाइफ, लड़ाई झगड़े वाली ज़िंदगी। एग्जांपल है देयर फैमिली इज़ लिविंग ए कैट एंड ए डॉग लाइफ, उन लोगों की फैमिली लड़ाई झगड़े वाली ज़िंदगी जी रही है। देयर फैमिली इज़ लिविंग ए कैट एंड ए डॉग लाइफ, उन लोगों की फैमिली लड़ाई झगड़े वाली ज़िंदगी जी रही है। तो फ्रेंड ये कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर